मैं हूं सिदा खान और आप देख रहे हैं इन्फो ब्लास्टर। नाजरीन, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम सेहत और तंदुरुस्ती की कदर कीमत जानते हैं? कहा जाता है कि सेहत की कदर किसी बीमार से पूछो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। सेहत और तंदुरुस्ती की सबसे बड़ी दुश्मन जिस्मानी थकावट है। आजकल हर दूसरा शख्स निढाल और थकावट का शिकार नजर आता है। ये अलामत अब इतनी तेज होती जा रही है कि डॉक्टरों ने इसके लिए शॉर्ट फॉर्म टायर्ड ऑल द टाइम इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन माहिरीन ने कुछ ऐसे तरीके वजा किए हैं जिसको अपनाकर आप थकावट के असरात से बच सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि थकावट की वजूहात क्या हैं। पूरे दिन में 6 से 8 ग्लास पानी इंसानी जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी है। इसमें चाय, कॉफ़ी, जूसेस शामिल हैं, और अगर जिस्म को मुनासिब मकदार में सयाल ना मिले तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। इस तरह दिमाग को ऑक्सीजन पहुँचने का अमल सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म थकावट का शिकार हो जाता है। दिन भर में 30 से 40 मिनट का कैलोला आपकी तवानाई को बहाल करने के लिए अहम किरदार अदा करता है, और तिब्बी तौर पर भी ये बात साबित हो चुकी है। नींद से बेदार होकर फौरन नहीं उठ जाना चाहिए, बल्कि अपने आप को 15 मिनट दें रिलैक्स करने के लिए। मोबाइल और टीवी और लैपटॉप से निकलने वाली नीली शुआएं भी तबीयत को बोझल करती हैं। कोशिश करें कि रात को सोने से कम अज़ कम 2 घंटे पहले टीवी देखना बंद कर दें और मोबाइल भी इस्तेमाल ना करें। कुदरती और ताज़ा हवा लें और साथ ताज़ी खुराक इस्तेमाल करें। बासी खाना ना खाएं। कोशिश करें ब्राउन राइस या ब्राउन ब्रेड लें और प्लेट को खाने से लबालब ना भरें, क्योंकि ज़्यादा खाना भी इंसान को सुस्त और थका हुआ बना देता है। पूरे दिन में मुनासिब प्रोटीन ज़रूर लें, जो 50 ग्राम हो तो ये थकान से लड़ता है और खून में ग्लूकोज की मिकदार को मतवाजन करता है और मूड और तवानाई को बढ़ाने के लिए हार्मोन्स पैदा करता है। बेशुमार तहकीकात से ये बात सामने आई है कि पुदीने को सूंघने से बहुत ज़्यादा चुस्ती में इजाफा होता है, लिहाजा अपने आप को चुस्त और तवाना रखने के लिए आपसे जो भी बन पड़े आप वो करें, क्योंकि चुस्त रहने में ज़िंदगी है।